और ये भी मैं आप सबको बता दूं कि ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है, क्योंकि खुदा न खास्ता जो, वैसे तो नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी से उसने वफा की है, उसकी खातिर उसने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, लेकिन वतन अजीज की सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। उन्होंने अगर इदारों पर कभी तनकीद की तो उन्होंने एक तामीरी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपने दायरा कार से बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप पर उंगलियां उठती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ये होता है मुहिब वतन लीडर। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला जरूर है, जिसको अवाम बार 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 जिसको अवाम बार बार ये उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है, उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है। लेकिन जो इमरान ने जिस ठिठाई से आईन को तोड़ा, बल्कि तोड़ना बड़ा सॉफ्ट लफ्ज है, जिस तरह आईन को रोंदा, आईन को कुचला इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डेप्यूटी स्पीकर ने, और आज तक उसका सदर, जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, उसका सदर और उसका गवर्नर पंजाब आज तक जो है वो आईन का हुलिया बिगाड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं। यही अगर आईन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि हमारी जो लाशें हैं ना, वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। तो ये क्या बात हुई कि जो आपको बुली करे, जो आपको गाली दे, जो एक नापाक मुहिम चलाए इदारों के खिलाफ, उसको तो सहूलत मिल जाए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।